Hey guys, welcome back to my survival world. सरक, सरक उधर। अबे ओए क्या हुआ है तुझे? मेरे ही वर्ल्ड से मुझे ही सरका रहा है। अच्छा तेरा वर्ल्ड है, प्रूफ दिखाना कि कैसे है तेरा वर्ल्ड। इसमें ना तेरा नाम लिखा है, ना तेरा स्टैचू है, फिर कैसे हो गया तेरा वर्ल्ड? इसमें तो कोई भी बोल सकता है कि ये मेरा वर्ल्ड है। अबे वो ज्यादा करेगा वे, तुम एक दूंगा ना रख के। वेट यार, लेकिन तूने बात तो एकदम 100% सच बोली। हाँ लेकिन फिर भी चल जल्दी से निकल, नहीं तो तेरी जेब को बता दूंगा कि कल तू ट्यूशन के बहाने किसके साथ घूम रहा था। नहीं नहीं प्लीज भैया मत बताना, मैं जा रहा हूँ। तो गाइस मैंने कैसे ना कैसे करके ये बचपन के प्यार वाले को तो भगा दिया, लेकिन कल को ये बात कोई और भी बोल सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा सोचना ही पड़ेगा जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ ये मेरा ही वर्ल्ड है। लेकिन बात तो वही है ना कि ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं? जल्दी सोच प्लीज, जल्दी सोच। एक मिनट गाइस, हम लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आइडिया तो वही देके गया है ना। हम लोग अपने वर्ल्ड में एक अपना स्टैचू बना सकते हैं। तो यस गाइस फाइनल हो गया, हम लोग अपने वर्ल्ड में अपना स्टैचू बनाने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 5K सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस मैंने अपना स्टैचू यहाँ बनाने का सोचा है, जो कि हमारे मॉडर्न हाउस और हमारे कैसल के जस्ट पीछे वाला एरिया है। तो चलिए फटाफट से इस एरिया को थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े घास हो रहे थे मैंने उनको तो हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़े बहुत मिट्टी को क्लियर कर लेते हैं। मिट्टी को क्लियर मतलब उसको छानेंगे नहीं, यहाँ पे जो उबड़ खबड़ हो रहे हैं उनको हटाना है। यार यहाँ पे मैं इतने देर से खोदा जा रहा हूँ और यहाँ पे एक भी मिट्टी कलेक्ट ही नहीं हुई है। यहाँ पे हम लोग को सारी मिट्टी चाहिए भी, क्योंकि हम लोग को गड्ढों को भी भरना है। और लो यहाँ पे मिट्टी जमा करते करते हमारे सूरज चाचू भी ढलने को आ गए हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे अपना बेड निकाल लेते हैं। कमेंट में कोई ये नहीं पूछेगा कि ये बेड पीला क्यों है, क्योंकि पहले ना व्हाइट ही था और इसमें मेरा छोटा भाई सुसु कर करके पीला कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। The next day. तो गाइज ये जो मैं हग्गे रखा हूँ, ये जो बचे कुछ पेड़ है इनको भी हटा देते हैं, नहीं तो इससे हमारे स्टैचू का लुक खराब हो जाएगा। और यहाँ पे मैं जो बचा ना क्या ही बोलूँ, यहाँ पे मैं आराम से मिट्टी खोद रहा था और पता नहीं यहाँ पे कहाँ से क्रीपर आ गया, बट मैं कैसे ना कैसे करके बच गया और उसको भी मार दिया। 6.5 hours later. Okay, तो finally guys मैंने इस एरिया को पूरा क्लियर कर दिया है। इतना काम अगर मैं किसी के खेत में कर लेता ना तो आज मैं बम्बानी बन जाता। खैर आज जो मैं अपना स्टैचू बनाने वाला हूँ उसका मेजोरिटी पार्ट मैं वूल से बनाने वाला हूँ, क्योंकि वूल से एक अच्छा टेक्सचर भी आता है और वूल का एक साक्षात फार्म भी है हमारे पास, तो वूल की भी कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से अपने वूल फार्म से ढेर सारे वूल लेके आते हैं। रईसी देख रहे हो मेरे में, इतना सामने का जगह भी चल के नहीं जाता, उड़ उड़ के जाता हूँ। कोई है ऐसा जो मेरा सामना कर पाए? इलॉन मस्क भी मेरे पीछे है। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे अपने वूल फार्म में आ गया हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे ढेर सारे वूल इकट्ठा करते हैं। और बाय द वे आप लोगों ने मेरा स्किन देखा ही होगा, ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कालू हूँ मैं। सो यार गाइस हम लोग को ज्यादातर ब्लैक वूल ही चाहिए और यहाँ पे मुझे कहीं ब्लैक वूल दिख ही नहीं रहा। ये वाला कौन सा? ये वाला पिंकी वूल है और ये वाला है ब्लू वाला और ये वाला है ब्लैक वाला। सैड लाइफ यार, यहाँ पे मुझे जो वूल सबसे ज्यादा चाहिए वही वाला सबसे कम है। और डबल सैड लाइफ ये कि यहाँ पे मैं सल्कर चेस्ट लाना भूल गया हूँ। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे सल्कर चेस्ट लेके आ गया और यहाँ पे मैं साथ ही साथ एक आइडिया भी लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी ब्लैक वूल है इनको ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग को जो डिफरेंट कलर के वूल मिलेंगे जैसे कि रेड व्हाइट इनको भी हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इनको भी हम लोग ब्लैक वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास इंक सैक या ब्लैक डाई हो तो। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे ढेर सारे इंक सैक जमा करते हैं, जो कि उतना मुश्किल काम नहीं है शायद। और ऊपर से हमारे स्वॉर्ड में भी लूटिंग 3 लगा हुआ है जिससे कि हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो गाइस हमारे पास में समुद्र है तो इसी समुद्र में डुबकी मार देते हैं, हमारे इस वीक का नहाना भी हो जाएगा। मैं आप लोग जैसा गंदा नहीं हूँ इसीलिए मैं वीक में एक ही दिन नहाता हूँ। मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा रहा हूँ। जो लोग डेली नहाते वो सिर्फ पानी बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। खैर गाइस आप लोग को क्या ही बताऊँ कि कितना ठंडा है आजकल, मेरा मतलब कितना पानी बर्बाद होता है आजकल। और लोग
गाइज आप लोग से बातें करते करते हम लोग यहाँ पे स्क्विड तो मिल ही गया और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे एक ट्राइडेंट वाला जॉम्बी भी मिल गया है, तो इसको भी लूटिंग 3 से मार के देखते हैं, क्या पता ट्राइडेंट गिरा दे। वैसे मुझे ऐसे करके काफी ज्यादा ट्राइडेंट मिल चुके हैं, शायद 2-3 तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये भी दे दे, ये ट्राइडेंट मुझे दे दे ड्राउंड। शायद इसने मुझे नहीं दिया है, इसने गद्दारी कर दिया गाइज। अबे यार मैं यहाँ पे हर टाइम अपने दिशा से भटक क्यों जाता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राइडेंट थोड़ी ना जमा करने आया हूँ, मैं तो यहाँ पे इंक सैक जमा करने आया हूँ ना। डैम गाइज यहाँ पर हम लोग को एक ग्लोइंग स्क्विड मिल चुका है, मैं सच में यहाँ पे पहली बार देख रहा हूँ ग्लोइंग स्क्विड। और जितना मुझे पता है ये शायद मरने के बाद ग्लो इंसेक्ट देता है, बट इसने दिया क्या? ओए गद्दारी कर दिया क्या तूने भी? यार यहाँ पे तो आज सब कोई गद्दारी कर रहा है। वेट गाइज यहाँ पर हम लोग को एक ग्लो इंसेक्ट मिल चुका है गाइज, यहाँ पे हम लोग को एक ग्लो इंसेक्ट मिला है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग को ग्लो इंसेक्ट मिल चुका है गाइज। और ये क्या चीज तैर रहा है गाइज, यहाँ पर मुझे तो पता है नहीं ये क्या चीज है गाइज, यहाँ पे हम लोग को ये क्या मिला है देखते हैं गाइज, ये क्या मिल चुका है हम लोग को। चलो गाइज पास जाके देखते हैं, इसको कलेक्ट करके देखते हैं ये क्या चीज है गाइज, ये क्या चीज है। यो वेट यहाँ पर हम लोग को एक ट्राइडेंट मिल चुका है। यार मैं इतना लकी कब से हो गया, मतलब तभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, तभी हम लोग को ट्राइडेंट मिल चुका था बट मैंने ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मुझे दिखा नहीं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को दोबारा से एक ट्राइडेंट वाला जॉम्बी दिखा है, क्या ये हम लोग को ट्राइडेंट देगा? देगा नहीं गाइज, ऑलरेडी दे चुका है। ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ गाइज? मुझे तो लग रहा है कि मुझे इस वीडियो का टाइटल रखना होगा कि फाइंडिंग 3 ट्राइडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक दूसरा ट्राइडेंट भी मिल चुका है, सॉरी मतलब तीसरा ट्राइडेंट भी मिल चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना क्या मैं इतना ज्यादा लकी हूँ या ट्राइडेंट उतना रेयर होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स को देखा है कि एक ट्राइडेंट ढूंढने में वो पूरा एक वीडियो निकाल देते हैं, और यहाँ पे मुझे एक रैंडम वीडियो में 3-3 ट्राइडेंट मिल गए। 1 hour later तो चलिए गाइस मैंने यहाँ पे अपना सारा सामान जमा कर लिया, फटाफट से यहाँ पे अपना स्टैचू बनाना शुरू करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि अभी के लिए मैं बस अपना कमर तक ही स्टैचू बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे स्टैचू बनाने का कोई आइडिया नहीं है और मुझे नहीं पता कि मुझे इसमें ही कितना टाइम लगने वाला है। व्हाट द हेक यार, ये कैसा मौसम हो रहा है मेरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये माइनक्राफ्ट में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है इस साइड में, आप लोग देख ही सकते हो। और अब मैं आप लोग को एक बार पीछे जाके भी दिखाता हूँ, आप लोग इधर देख लिया और अब मैं आप लोग को पीछे जाके दिखाता हूँ, और आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमारे सूरज चाचू भी जाग रहे हैं। तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताना क्या आपके माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ऐसा कभी हुआ है। A few moments later. खैर छोड़ो गाइज, हम लोग अपना फटाफट से स्टैचू बनाना शुरू करते हैं, और अभी के लिए मैं इसको 3D में नहीं बनाने वाला हूँ, मतलब बस फ्रंट साइड बनाने वाला हूँ अपना, क्योंकि मैं अपने स्किन का स्टैचू पहली बार बना रहा हूँ तो ये खराब भी बन सकता है और मेरे से कुछ गलती भी हो सकती है, इसलिए बस मैं अभी फ्रंट साइड बना के इसको टेस्ट करने वाला हूँ। मैं इस स्टैचू को अगर सिर्फ वूल से बनाता तो बहुत ही खराब दिखता है, एक ही कलर का दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पे टेराकोटा और ये क्या बोलते हैं कॉन्क्रीट वगैरह भी यूज कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे दोनों हाथ बन के रेडी और काफी सही लग रहे हैं, उतने भी गंदे नहीं लग रहे हैं। अब हमारा बस पेट बच रहा है और हमारा मुंह बच रहा है, तो चलिए जल्दी से अपने स्टैचू को कम्प्लीट करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। One eternity later. तो finally guys, काफी देर बाद यहाँ पर हमारा स्टैचू बन के रेडी है, तो चलिए फटाफट से इसको नीचे जाके देखते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए, कि आप लोग भी एक्साइटेड हो, तो चलिए अब देखते हैं। Damn guys, क्या ही लग रहा है, लिटरली यार मैंने नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बन जाएगा मेरे से। तो गाइज मुझे ये स्टैचू तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग को ये स्टैचू कैसा लगा, एकदम सेम टू सेम ही लग रहा है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है। और अगर कोई मेरा स्टैचू मेरे से भी अच्छा बना सकता है ना, तो आप वीडियो बना के जरूर से मुझे टैग करना, मैं आपके वीडियो को देखूंगा भी, और अगर अच्छा लगा तो शाउट आउट भी जरूर से दूंगा। फिलहाल चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।